अधूरे ख्वाब जो पूरे होते हैं, वो एहसास जुबा से बयां नहीं होता है। बस लगता है काश ये वक्त यही ठहर जाए। इस वक्त में सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, बस मैं हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे सुबह के 7। कल रात को बहुत लेट सोया और आज जल्दी उठ गया, बिकॉज आज लास्ट डे है गोवा में। और मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं नए नए खतरे हमेशा मोल लेता हूँ, और आप सबको पता है ये बात अच्छे से कि मुझे नई नई एक्टिविटी करने में बहुत डर लगता है। तो आज एक्सप्लोर करेंगे स्कूबा डाइविंग को। ऋतिक बाबा बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आज देखते हैं कितना डर लगता है और जीत पाता हूँ कि नहीं। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग पहुंच गए डोना पोला के जीटी में, और यहां से बोट लेके हमें जाना है आइलैंड पे, और वहीं पर होगा हमारा स्कूबा डाइविंग। पता नहीं कैसे होगा, बिकॉज मैंने तो कभी भी पहले नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत तैरना आता है, लेकिन समुंदर में अंडर वाटर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से कर लोगे। लेट्स सी। गाइस, हम लोग बोट पे बैठ गए और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट का रास्ता है। उसके बाद हम लोग आइलैंड पे पहुँचेंगे और वहाँ पर होगा हमारा स्कूबा डाइविंग। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर आके, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, और सुबह उठने का फल हमें ज़रूर मिल रहा है। कल अभी हम लोग पहुँच गए बॉब माले बीच में। बॉब मार्ले सुन के काफ़ी अच्छा वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही फेमस बीच है यहाँ का। यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूबा करने के लिए। उसके पहले 2 घंटे का टाइम है, एज बाकी लोग वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं और मुझे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सरिता गेस्ट हाउस करके बहुत अमेजिंग प्लेस है, बीच के सामने ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, आराम से चिल करते हैं, बिकॉज उसके बाद स्कूबा करने के लिए जाएंगे। फुल ऑन मस्ती करनी है, बट मेरी फट रही है, फटनी चाहिए। यहाँ पे बॉब मुझे समझा रहा है कि स्कूबा डाइविंग में नाक से नहीं मुंह से सांस लिया जाता है। मैं मन में ये सोच रहा था कि बचपन से मैंने नाक से ही सांस लिया, 10 मिनट के प्रैक्टिस में मुंह से सांस लेना कैसे चालू कर दूं। लेकिन जब मुझे उसने पहली बार पानी में डुबाया तो एक बात समझ में आ गई कि अगर बात जान पे आ जाए तो मुंह से क्या कहीं से भी सांस ले सकते
amazing, amazing. True, I just started. Thanks a lot, mate. I was very scared, you know. I was fumbling in the beginning, you know. But you managed very good. Thanks a lot. And the main important thing is you are the best one. That's why, like, I did it well. And the inner side debut was amazing. I just loved it. अगर आपको स्कूबा डाइविंग के लिए आना है गोवा में और स्कूबा डाइविंग करनी है तो मनीष को कॉन्टेक्ट करिएगा, मनीष का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ। मनीष यार क्या बंदे हो यार, मजा आ गया तुमसे मिलके। और ये इतना अच्छे से टेक केयर करते ना मनीष, सुना एक चीज और मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे थोड़ा डिस्काउंट कर देना तो मनीष का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको स्कूबा डाइविंग करना है तो इसी को कॉन्टेक्ट करना है, बिकॉज ही इज द बेस्ट गाइड। Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Thanks a lot, bro. Once again, welcome. Thanks a lot, bro. You are the best. Thank you. All right, guys. So, मेरा बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आया, इसका नाम है अली, एंड ही गॉट अ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बार्टेंडिंग एकेडमी इन इंडिया। तो इसका जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन तू साले एक बात बता मेरे को, मैं जब से आया हूँ 3-4 दिन हो गए, तू मेरे को टाइम क्यों नहीं देता मिलने के लिए? तेरे को इतना मतलब बोल रहा है, रोज फोन कर रहा हूँ मैं, ये बस बता रहा है यहाँ घूमने जाए, यहाँ पार्टी करने जाए, ये सब मेरे को सजेस्ट कर रहा था हर चीज, बिकॉज यहाँ का बॉस है ना ये, तो इससे पूछते रहता हूँ, लेकिन तू साले आया क्यों नहीं ये बता? बस काम कर रहा भाई, काम कर रहा है। मेरे को बोलता मैं 2 बजे आऊंगा, 2 बजे कॉल ही नहीं आ रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा, फिर मैंने सोचा काम कर रहा है। एनीवे सुन, मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आने वाला हूँ, एक पॉडकास्ट शूट करेंगे गाइज। अली का जो नंबर है उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बारटेंडिंग में इंटरेस्ट है, बिकॉज इन फ्यूचर जब मैं पॉडकास्ट शूट करूँगा तब आपको पता चल जाएगा बारटेंडिंग क्या होता है, और पिछले एटलीस्ट इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स ये उसी फील्ड में है, और द बेस्ट पीपल, यू नो, बेस्ट गाय। तो अगर आपको बारटेंडिंग सीखना है तो इसको प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा, और इसके डिटेल्स आपको दिख जाएगा, वेबसाइट सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में है, और जब पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मेरे को टाइम देना अच्छे से। डन, अरे थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग गोवा। गोवा का लास्ट डे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, एज मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। स्पेशल थैंक्स टू मनीष, संदीप एंड बॉब, यू गाइस जस्ट मेड माई डे, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। तो गाइज मैं गोवा को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, और जल्दी फिर से गोवा आने की तैयारी करूँगा, एज गोवा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। एनीवेज होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।